हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी केयर में। फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है वैसे ही आपको फ्री की एडवाइस बहुत ही ज़्यादा मिलने लगती हैं, लेकिन ये एडवाइस आपके लिए कुछ हद तक सही भी हो सकती हैं और कुछ हद तक गलत भी हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग एडवाइस मिलती रहती हैं, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी में मैंगो नहीं खाना चाहिए, मैंगो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और आपके बच्चे के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आम आपके और आपके बच्चे के लिए कितना बेनिफिशियल है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है वैसे ही आपको चारों तरफ आम दिखाई देने लगते हैं, स्पेशली मई के महीने में, और आम सबका फेवरेट होता है, तभी तो इसे फलों का राजा बोलते हैं। लेकिन जब प्रेग्नेंट होते हैं तब हमारे मन में ये क्वेश्चन चलता रहता है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान हमें आम खाना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आम के न्यूट्रिशन के बारे में। आम में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से हमारा शरीर जो तनाव से डैमेज हो जाता है उसको हील करने में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ आम में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी रहता है, और तो और इसके साथ साथ पोटेशियम, फाइबर भरपूर मात्रा में आम में पाया जाता है। जिन महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या रहती है, आम का सेवन करने से इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। जैसे कि पके हुए आम में बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोफ्लोनाइड्स होता है, इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, और इसके साथ साथ आम में आयरन भी होता है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है, आम खाने से ये भी दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, पता चल गया होगा आम में कितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान आम का सेवन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन पके हुए आम में ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होती है। आम खाने से प्रेग्नेंट महिला का कैलोरीज लेवल बढ़ जाता है और इसके साथ साथ शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। इसीलिए जिनका वजन जाता है, जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, जिनको प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज़ है, तो इन महिलाओं को आम का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। आम से काफ़ी सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, जैसे कि वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है, और प्रेगनेंसी में एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये एनर्जी भी भरपूर मात्रा में देता है। जैसे कि हमें प्रेगनेंसी में काफ़ी खट्टी चीज़ों को खाने का मन करता है, जैसे कि कच्चे आम, इमली, ये सारी चीज़ों को खाने का मन करता है, तो इनकी भी अपने में अलग ही न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। कच्चे में आम में विटामिन सी और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, इसके साथ साथ कच्चे आम में डाइजेशन और डिहाइड्रेशन की कमी को दूर भी करता है। चलिए बात करते हैं आम कैसे नुकसानदायक होते हैं। प्रेगनेंसी में आपको एक से ज़्यादा आम आपको नहीं खाना चाहिए। आम को ज़्यादा सेवन करने से आपके पेट में दर्द भी हो सकता है, और पहले के आम बहुत ज़्यादा केमिकल के आते थे, इंजेक्शन में पकाए जाते थे, इसलिए वे नुकसानदायक होते थे। चलिए बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में कैसे आम खाना चाहिए। आम कैलोरीज से भरपूर होता है, इसलिए आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। आप हो सके प्रेगनेंसी में आम को सुबह के समय या फिर दोपहर के समय आप खा सकती हैं। आम को आपको रात में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक कैलोरीज होती हैं और प्रेगनेंसी में इसको पचाने में काफ़ी दिक्कत आती है। आम को आप पहले से ही आधे घंटे पहले से ही पानी में भिगोकर रख दें, फिर आपको अच्छे से धोकर इसको खाना है, जिससे इसमें केमिकल ना हो। आई होप आपको पता चल गया होगा प्रेगनेंसी में आपको कैसे आम खाना चाहिए, इससे आपको क्या नुकसान होते हैं और इसके क्या बेनिफिट हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ दोस्तों, हमारे मॉमी बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बच्चे का ख्याल रखिए और अपना भी।